दोस्तों डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2019 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के बारे में। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा अगर आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए एज ए प्रिपरेशन टेस्ट भी हो सकता है। आप आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर है इसको आप जांच सकते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपने कितना सही किया ये आप जज कर सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की कि हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे चुना गया यानी नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है सुरजीत भल्ला को। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे सुबीर गोकर्ण, उनकी जगह लेंगे सुरजीत भल्ला। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है सुरजीत भल्ला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं IMF के बारे में। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसके MD चुनी गई है रिसेंटली क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसका हेडक्वार्टर है Washington DC। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो आप जरूर से जरूर मुझे लाइक करना मत भूलिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, आप जरूर मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, सो जरूर मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बन गई है? तो सही उत्तर है हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है कविता गोपाल। कविता गोपाल ने IIT मद्रास में भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली पहली छात्रा बनकर इतिहास रच दिया है। आज तक केवल पुरुष छात्रों ने ही यह पुरस्कार जीता था और कविता गोपाल पहली छात्रा है ऐसा जीतने वाली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा स्टेशन रहा है? तो सही उत्तर है टॉप पे रहा है जयपुर स्टेशन। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और रैंकिंग को जारी किया हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर इसको जारी किया था। और रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान के 3 रेलवे स्टेशन जो है शामिल किए गए हैं जिनमें जयपुर, जोधपुर और जो है दुर्गापुर जो है शीर्ष में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इंडिया टुडे सर्वाग्रह सीमेंट समिट में तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया। इसका आयोजन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में द टेक विस्परर्स नामक पुस्तक रिलीज की गई इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर है इसके लेखक हैं जसप्रीत बिमरा। तो बता दें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है ये जो बुक है द टेक विस्परर और इसे लिखा है जसप्रीत बिमरा ने। इस पुस्तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO का पद के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो सही उत्तर है हाल ही में PNB के नए MD और CEO बने हैं SS मल्लिकार्जुन राव। 18 सितंबर 2021 तक ये इस पद पर बने रहेंगे और इससे पहले ये इलाहाबाद बैंक के MD और CEO थे। इसके पहले CEO थे सुनील मेहता, उनकी जगह लेंगे SS मल्लिकार्जुन राव। PNB का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू आदि पान मसालों को किस राज्य ने प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो सही उत्तर है सारे पान मसाले और गुटखे को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है राजस्थान ने। राजस्थान की बात आई है तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री है कौन? अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। डिप्टी CM है सचिन पायलट। राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गवर्नर है कलराज मिश्र जी। केवलादेवन नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। यहाँ से लूनी नदी बहती है और थार मरुस्थल है राजस्थान में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यहाँ का गुरु शिखर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यटन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर हाल ही में पर्यटन पर्व का उद्घाटन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने और इस्पात मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में प्लांट्स फॉर प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की गई? तो हाल ही में भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में शुरुआत की गई। असम के बोंगाई गांव जिले में प्लांट्स फॉर प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की गई।
इसमें लोगों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसके तहत जो है यदि कोई व्यक्ति म्यूनिसिपलिटी में 1 किलो प्लास्टिक जमा करता है तो उसे इसके बदले उस व्यक्ति को रोपाई के लिए एक पौधा मुफ्त में दिया जाएगा। शुरुआत की है असम सरकार ने। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी की सरकार है और गवर्नर है जगदीश मुखी। ब्रह्मपुत्र नदी बाय वॉल्यूम इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, बाय लेंथ है गंगा नदी। यहाँ का डांस पॉपुलर है बिहू डांस। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में जो कि सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में बीसीसीआई के क्रिकेट सलाहकार समिति से किसने इस्तीफा दे दिया। तो सही उत्तर है पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में बीसीसीआई के क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया है। और बीसीसीआई की बात आई है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट है सीके खन्ना, सीईओ है राहुल जौहरी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और हमारे वुमेन्स कोच है डब्ल्यू वी रमन और मेन्स कोच है रवि शास्त्री। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और किसके बीच में शुरू की गई। तो सही उत्तर है इसकी शुरुआत की गई दिल्ली और कटरा के बीच में। कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है और वैष्णो देवी का मंदिर है वहां पे, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी जो है कैब यहां शुरू हुई है जो कि दिल्ली और कटरा के बीच में चलेगी। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है और बता दो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये। और अगर पूछा जाए कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली है तो नई दिल्ली से वाराणसी तक चली है पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन वंदे एक्सप्रेस की जो चली है वो दिल्ली से कटरा के बीच में चली है जिसे कि ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश में अब तक के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डैंगफेंग 41 का अनावरण किया है। तो जैसे नाम से ही प्रतीत होता है डैंगफेंग 41 का अनावरण किया है चाइना ने। चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और येन। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसे नियुक्ति दी गई है। तो हाल ही में इंद्रजीत मोहंती जी को नियुक्ति दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। राजस्थान हाईकोर्ट के 37वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट का स्थान लेंगे कौन, इंद्रजीत मोहंती जी। अब राजस्थान की बात आई है तो बता दो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। तो सही उत्तर है हाल ही में आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 5.15% करने की घोषणा की है। अब बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, गवर्नर है शक्तिकांत दास, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और बैंक रेट अभी है 5.40 और इंटरेस्ट रेट है 4%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसे कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नियुक्ति के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं सुशील चंद्र मिश्र। आपको बता दूं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है एक पीएसयू कंपनी है, हेडक्वार्टर है नोएडा में और भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें शेयर है, यानी पीएसयू कंपनी है ये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ग्रीस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, अगला एम्बेसडर कौन होंगे ग्रीस में भारत के। तो सही उत्तर है हाल ही में अमृत लुगुन को नियुक्ति दी गई है ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में। और बात बता दूं कि ग्रीस के बारे में, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और यहाँ के लोगों को यूनान अथवा यवन कहा जाता है और यहाँ के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं क्रियाकोस मेसोकिस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जागिरी अभियान की शुरुआत की है। तो हाल ही में शुरुआत की है ऊर्जागिरी की उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जागिरी अभियान की शुरुआत की है और इसे लोगों को प्रेरित की जाएगी कि वो बिजली चोरी ना करें और उसे रोका जा सके। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, कैपिटल है देहरादून, यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बीबी रानी मौर्य, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। एगेन नियुक्ति की बात आई है तो हाल ही में अमर एस लक्ष्मी नारायण को नियुक्ति दी गई है टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी और सीईओ के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे 2019 के UNHCR नाउनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है कि अजीज बेग आसुरो को हाल ही में सम्मानित किया गया है शरणार्थी पुरस्कार 2019 से। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे नियू में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी हाई कमीशन नियुक्त किया गया है, कहां पे नियू। तो हाल ही में नियू में
मुक्तेश कुमार परदेशी को नियुक्ति दी गई है अगला उच्चायुक्त के रूप में। बता दूं कि न्यू जो है वो उसकी कैपिटल कौन सी है, तो अलोफी है। उसकी करेंसी कौन है, न्यूजीलैंड डॉलर। और उसके अगले उच्चायुक्त होंगे मुक्तेश कुमार परदेशी जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच में एक्यूरिन अभ्यास आयोजित किया गया, तो एक्यूरिन युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया गया। ये एक्यूरिन अभ्यास जो है इंडियन आर्मी और मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में आयोजित किया गया। कब से कब तक हुआ, 7 से लेकर 20 अक्टूबर 2019 तक चलेगा ये। कहाँ चलेगा, महाराष्ट्र के पुणे में। बात आई है मालदीव की, कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुफिया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और ये एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दिल्ली और किस देश मतलब किस स्टेशन के बीच में चलेगी। बात करते हैं भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तेजस एक्सप्रेस, और ये किसके किसके बीच में चलेगी, ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलेगी। तेजस ने हाल ही में एक और घोषणा की है कि अगर ये लेट होती है तो IRCTC ने यात्रियों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है। तो ये चलेगी दिल्ली और लखनऊ के बीच में, तो लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कथक डांस यहाँ पॉपुलर है, दुधवा नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है याद रखिए, और भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश को अपना पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मिला है, तो सही उत्तर है हाल ही में भारत को अपना पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मिला है, और ये अरब सागर में पहली बार फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट लाया गया। और ये किस लिए लाया गया, ये NBC यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के गेम के लिए लाया गया है, और देश में पहला NBC गेम अक्टूबर में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इस वर्ष प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर के रूप में चुना गया, तो हाल ही में चुना गया क्रिकेटर ब्रेन स्टॉक्स को। ये कहाँ के हैं क्रिकेटर, ये करंटली वाइस कैप्टन है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, और इन्हीं को हाल ही में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ के रूप में चुना गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि सर वीडियो लंबा होता है आपका, सो छोटी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कीजिए ताकि आप मुझे आसानी हो सके। सो इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। सो नेक्स्ट 25 प्रश्न आप देखना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आज के क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में किसे राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, नवीन सिन्हा, जगदीश भल्ला, श्रीदीप, रविंद्र भट्ट या इंद्रजीत। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, साथ में मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।